मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सपाइयों ने रविवार को थापर नगर की स्थित कैंप कार्यालय पर बर्फ की सिल्ली रखकर प्रदर्शन किया है। थापर नगर स्थित कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी योजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह ईशु ने कहा कि शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। ईशु ने कहा कि जब कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी थी तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बर्फ पिघलती है वैसे ही इस फर्जीवाड़े को पिघलाया जा रहा है। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। मांग पूरी न होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी इस दौरान उन्होंने दी। आज हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं बर्फ की डलियां लेके। भाई पूरा 1.5 महीना हो गया एनसीईआरटी जो फर्जी किताबें पकड़ी गई थी भाजपा नेता के गोदाम से, 50 करोड़ रुपए के तो ऊपर का मामला था भाई, उनकी जमानत याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो भाई उन्हें प्रशासन गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा, उनकी संपत्तियां कुर्क क्यों नहीं हो रही भाई, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। हमारी सीधी सीधी मांग है, क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और ये अंदर की बात है, पूरी भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ है। लेकिन हम इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। ये सोच रहे हैं बर्फ की तरह इस मामले को भी ठंडा कर देंगे, आया गया हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर प्रशासन ने 3 दिन के अंदर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो हम हर प्रशासनिक अधिकारी को एक बर्फ की डली दे के आएंगे उनके घर पे, क्योंकि अधिकारी यही तो चाह रहे हैं ना, ये ठंडा हो जाए।